मेरा नाम अनिल कुमार कश्यप है और मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ और मेरा मेडिकल का जॉब है। एज 53 है मेरी। मुझे क्या हुआ कि साल भर से धुंधलापन दिखना चालू हो गया था, बिल्कुल मतलब बाइक चलाता था बिल्कुल रात को तो दिखता ही नहीं था, दिन में भी चलाता था लेकिन सामने कोई आ जाता था उसका चेहरा ही पहचान में नहीं पाता था मैं, तो बहुत दिक्कत आ रही थी। तो मैंने जयपुर में भी 3-4 डॉक्टरों को दिखाया था, राइट वाली आँख का कराया था, जयपुर में कराया था, नवंबर में कराया, लेकिन इसमें तो रोशनी आई नहीं कराने के बाद ही, बिल्कुल ये दिखना ही बंद हो गया। मतलब ये है, फिर इसलिए मेरा तो विश्वास उठ गया, फिर इसलिए सर के पास मेरे को रिस्क नहीं लेना चाहता क्योंकि एक ही आंख बची थी मेरे पास, मैंने कि ये भी चलेगी तो कुछ भी नहीं रखा जिंदगी में। इतनी तक तकलीफ आ रही थी, जैसे आप मैं यहाँ पे कंप्यूटर पे बैठा हूँ बिलिंग कर रहा हूँ तो बिलिंग में दिक्कत आ रही थी, बिल्कुल धुंधले अक्षर दिखते थे, सामने कस्टमर खड़ा है मैं उसको मैं देख तो पा रहा हूँ लेकिन पहचान नहीं पा रहा कौन खड़ा है। मेरा कोई मिलने वाला आ जाए तो मेरे को उसको देखने में दिक्कत आती थी, कई बार तो मैं उसकी आवाज़ से उसको पहचानता था कि यार अच्छा ये तो ये बंदा है यार। फिर मेरी मिसेज क्या है कि वो चलाती रहती है फोन, है डॉक्टर राहिल सर का देखा था उन्होंने, तो उन्होंने मुझे बताया, 2-3 वीडियो मुझे भी जबरदस्ती दिखाया, मैं नहीं देखना चाह रहा था कि मैं क्या करूं देख करके, फिर मुझको उन्होंने वीडियो भेज करके बताना चालू करा, फिर मैं काफ़ी दिन तक तो नेगलेक्ट करता रहा, मैंने कि नहीं ऐसा क्या है कुछ भी नहीं है तो सब चलता है ये वो, लेकिन फिर मैंने भी देखना चालू करा तो मुझे भी मतलब काफ़ी ऐसा कॉन्फिडेंस आना चालू हो गया कि वास्तव में यार डॉक्टर तो अच्छे ही हैं। ट्रायल सर्जरी का उन्होंने Eye7 हॉस्पिटल के बारे में देखा, मतलब बार बार प्रेस करती रही, आप यहाँ इतने डॉक्टरों को दिखा लिया लेकिन आपका कुछ नहीं हो रहा है, तो मेरे कहने से एक बार तो कम से कम जाओ आप। तो मैं भी चलो ठीक है, मैंने तुम्हारी तसल्ली के लिए एक बार जा ही आता हूँ, तो मैं यहाँ पे 30 तारीख को दिल्ली आया था, दिल्ली आकर के Eye7 में मैंने डॉक्टर राहिल सर को दिखाया था, दिखाने के बाद में दिखाते ही मुझे इतनी संतुष्टि मिली कि जैसे कि मतलब मेरे को भगवान ही मिल गया हो। फिर मैंने सर से बात करी, सर ने कहा कि हम आपकी 6x6 की आई आपको ऑपरेशन के बाद बिल्कुल करके देंगे, ठीक है मुझे अच्छा लगा। और परसों सैटरडे को ही मेरा ऑपरेशन हुआ है। मंडे को आया हूँ, मंडे को आते जैसे ही मेरे आई वगैरह चेक हुई है तो मुझे 6x6 की आई बिल्कुल एकदम क्लियर, एकदम ऐसा दिख रहा है बस पूछो मत। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर? नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार एडिट करना सर आपको, पढ़िए DHKZTFRCUE PSVZKHRFDTCUE PZKVHSF। परफेक्ट सर, 6x6 पढ़ रहे हो अभी? बिल्कुल सर, अभी तो और बेटर होगा अभी तो। मैं इसलिए बहुत खुश हूँ, बहुत मेरे धन्यवाद देना चाहता हूँ सर को, सर से मैं मिलकर आया हूँ, सर ने भी काफ़ी मुझे सपोर्ट करा है, सर ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया है और सर को मैं बार बार थैंक यू बोलना चाहूँगा। मैं तो ये चाहूँगा कि कोई बंदा अगर मेरे जैसा भी है वो एक बार सर के पास ज़रूर आए और उनकी सेवाओं का लाभ उठाए। तो सर हमारा पहले दिन विजन बिल्कुल परफेक्ट आ गया, बिल्कुल परफेक्ट आ गया, ये थोड़ा बहुत अभी और इम्प्रूव होगा बिकॉज आज फर्स्ट डे है, एक बार एक हफ्ते में आपको दोबारा मिल लेते हैं। ठीक, कोई बात नहीं सर, दोबारा मिल लेंगे। नहीं नहीं, बहुत अच्छा हो गया सर। तो एक हफ्ता ध्यान रखना सर कि पानी वानी ना जाए, काला चश्मा पहन के रखेंगे, थोड़ा धूल मिट्टी से बचना है। एक हफ्ते बाद अपना रूटीन शुरू कर दिया, एक बार फॉलोअप हो गया। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू, वेरी हैप्पी, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपने मेरा ऑपरेशन करा, मुझे बहुत खुशी हुई और मुझसे ज़्यादा तो मेरी मिसेज को खुशी हुई है जो आपकी इतनी बड़ी फ़ैन है। थैंक यू वो भी अभी मैंने फ़ोन करके बताया तो उन्होंने स्पेशल रिसेप्शन से रिक्वेस्ट करके मैं जाते समय डॉक्टर साहब से मिल के जाऊँगा, इसलिए मैं आपसे आया हूँ और मैं आपके पैर छूना चाहता हूँ। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, इसके आप हकदार हैं, बिल्कुल आप भगवान के बराबर हो, मैं तो ये कहूँगा देखो। थैंक यू सर, क्योंकि जो मैं पहले एक आँख खो चुका हूँ सर, दूसरी आंख मैं आपके भरोसे ही आया था और वो वास्तव में मैं उससे संतुष्ट हो गया हूँ पूरी पूरी तरह। मैं भी चाहता हूँ कि अगर कोई भी ऐसा बंदा है तो कोई रिस्क ना ले अपनी आंख के प्रति और सर से एक बार जरूर मिले, चाहे ऑपरेशन कराए चाहे नहीं कराए लेकिन जरूर मिले। और पर मैं तो मिलते ही मेरे को तो तुरंत ही हो गया था कि सर से ही कराऊंगा, मैं जयपुर छोड़ गया, मैं नहीं कराऊंगा जयपुर, मैं तो दिल्ली में ही और सर से ही कराऊंगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं हाथ जोड़ के आपको वो करता हूँ, नमस्कार। इसलिए मुझे यहाँ पे आगे बिल्कुल संतुष्टि मिली है और बिल्कुल बढ़िया ऑपरेशन मेरा उस समय हुआ है। पहले बाइक से नहीं चला रही थी, मैं चला ही नहीं पा रहा था, रात में तो मैं ऊबर से जाता था, सुबह तो फिर भी कैसे तैसे ले आता था, फिर खड़ी करता था, फिर या तो बेटे को बुलाता था गाड़ी लेके, भाई गाड़ी लेके
फिर अभी तो 15-20 दिन से तो ये हाल हो गया था कि बिल्कुल बच्चे ही छोड़ के आता था मुझे, तो वही छोड़ के आता था, वही लेके आता था। एक्सीडेंट का डर बिल्कुल रहता था सर, सामने से लाइट आई तो आगे कोई है कि नहीं है बिल्कुल दिखता ही नहीं था, कुछ भी नहीं दिखता था, कुछ भी नथिंग जिसको बोलते हैं ना। तो घर वालों ने बोल दिया कि तो आप तो बाइक छोड़ दो, गाड़ी से बच्चा छोड़ जाएगा, या आप कैब से आ जाओ या कुछ आ जाओ। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं तो खुद ही सारे काम कर सकता हूँ। दूसरी में तो कुछ भी विजन नहीं है और लेफ्ट में 6x6 की विजन है। दूसरी आँख के लिए सर ने बताया कि अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उन्होंने कहा है इसका भी देखेंगे थोड़ा भी, अभी इसका अपने करा है थोड़ा, इससे अब अपना काम चलाइए और हो सकता है आगे आने वाले समय में सर इसका भी बढ़िया इलाज कर दें। मैं भी होप करता हूँ कि शायद ठीक हो जाए ये भी। लेकिन जब मैं उनसे मिला तो मिलने के बाद मेरा तो बिल्कुल दिमाग बदल गया, मतलब सब कुछ बदल गया। इतना बढ़िया नेचर होते हुए है उनका, जिससे क्या बताऊँ, मैं तो तुरंत ही तैयार हो गया था। मैं सर मेरा तो कल ही कर दो एकदम डिसीजन, मैंने कहता ना जिंदगी में पहले डिसीजन सही लिया होगा। मेरा ऑपरेशन बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ, ना तो ब्लड निकला है, ना पेन हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ बिल्कुल, ना पट्टी बांधी है। 5 मिनट में ही सर ने अपना काम करके और लेंस लगा करके भेज दिया 5 मिनट के अंदर अंदर ही। कोई टेंशन नहीं, कोई वो नहीं, बिल्कुल बढ़िया ऑपरेशन हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, यहाँ की मशीनें देख करके काफ़ी संतुष्टि मिली हर काम में, मतलब कोई टाइम लग ही नहीं रहा था। रिसेप्शन पे जैसे ही एंट्री हुई, आगे से आगे अनाउंस हो रहे थे, आप अनिल कश्यप जी आप फलाने रूम नंबर में जाइए, स्टाफ आ रहा था और लेके जा रहा था। वहाँ भी चेकअप बढ़िया तरीके से हो रहे थे, वहाँ से दूसरी जगह कहीं भेजना होता है वहाँ भी अच्छा आराम से भेज रहे थे, वहाँ भी चेकअप बिल्कुल संतुष्टिपूर्ण, मतलब मुझे ऐसी संतुष्टि कहीं और नहीं मिली। मेरी आंखों में जॉनसन एंड जॉनसन का टेक्निस आईहेंस डला है, इससे मैं दूर का और पास का भी देख सकता हूँ। जयपुर से इतने साधन हैं, बस ले लो, ट्रेन ले लो, ट्रेन तो इतनी बढ़िया चलती है, डबल डेकर है, 5 बजे सुबह 6 बजे चलती है, 10 बजे आपको सरायरोला उतारेगी, वहाँ से आप टैक्सी ले लो या ऑटो ले लो, आपको 1.5 घंटे 1 घंटे में आपको इस सेंटर पे आराम से लाजपत नगर वाले पे आराम से उतार देगी, कोई टेंशन नहीं। मैं भी आया था, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। सुबह जाँच कराओ, शाम को फिर वही डबल डेकर है, 5:30 बजे उससे जाओ, 10 बजे में उतार देगी, कोई टेंशन नहीं है।